हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्वेल्थ फिजिक्स में पिछला वीडियो क्लिप हमारा विद्युत विभव से संबंधित था, जिसमें हमने विद्युत विभव की परिभाषा में बताया था कि एकांक परिमाण के परीक्षण आवेश को इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो चूँकि विद्युत क्षेत्र विभिन्न प्रकार से आवेशित वस्तु के कारण होता है, तो अब हम विभिन्न प्रकार के आवेशित वस्तु के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। तो आज हमारा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए हम फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है। तो ये हमारा एक बिंदु आवेश क्यों है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो स्वाभाविक सी बात है परीक्षण आवेश को इनफाइनाइट से इस बिंदु P तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को निकालेंगे, और वही कार्य एकांक परीक्षण आवेश पर कितना होगा उसको निकालेंगे, और वहीं क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा। तो आइए इनफाइनाइट से परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य हम निकालते हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं मैकेनिक्स में ही कि किया गया कार्य W इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। ये किया गया कार्य होता है, जहाँ थीटा क्या होता है, लग रहे बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होता है। एफ क्या होता है, जो हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पर वो होता है। डी क्या होता है, बल लगाकर जो विस्थापन किए होते हैं वो होता है। और थीटा क्या होता है, इस बल की दिशा और किए गए विस्थापन के बीच का कोण होता है। तो इस फार्मूले में जो एफ होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सीधे ये फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एफ का मान होता है वो विद्युत बल होता है, और विद्युत बल का मान जो होता है वो होता है एफ इजक्ल टू वन अपान फोर पाई ऑफ सेलन जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। जो विद्युत बल होता है उसका फार्मूला होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी है। तो जैसे जैसे आवेशों के बीच की दूरी परिवर्तित होगी, वैसे वैसे विद्युत बल का मान भी बदलेगा। इसका आशय यह है कि जिस बल को हम कॉन्स्टेंट मान करके ये फार्मूला लगा रहे थे, वो बल यहाँ पर परिवर्तनशील है। तो ऐसी स्थिति में ये वाला फार्मूला लगना थोड़ा सा अव्यवहारिक है। तो हम क्या करते हैं कि इस इनफाइनाइट से लेकर के पी तक परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य को निकालने के लिए बीच में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं डी एक्स, और इस डिस्प्लेसमेंट डी एक्स में जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट मान करके चलते हैं, क्योंकि डी एक्स इतना छोटा है कि जो फोर्स, जो विद्युत बल बी पर होगा वही विद्युत बल सी पर होगा। छोटे से विस्थापन डी एक्स में किया गया कार्य निकालेंगे, उसके बाद इनफाइनाइट से लेकर के पी तक जो संपूर्ण विस्थापन है उसमें किया गया कार्य निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि एक बिंदु आवेश Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव के लिए परीक्षण आवेश Q0 को अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन dx B से C तक लाने में किए गए कार्य dW बराबर FE डी एक्स कॉस थीटा।
अब एफ ई यानी विद्युत बल इस बिंदु बी और सी के बीच, अगर ये बिंदु बी इस क्यू से एक्स दूरी पर हो, बी पर स्थित आवेश क्यू जीरो पर जो बल लगेगा वो बल लेंगे, और ये डी एक्स विस्थापन है वो लेंगे, और उन दोनों के बीच का कोण थीटा लेंगे। तो अगर यहाँ पर क्यू जीरो है तो इस क्यू जीरो पर क्यू के कारण लगने वाला बल जो होगा उसको लिखेंगे, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू इंटू क्यू जीरो बाई एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, इस बी की बिंदु आवेश से दूरी है, तो जो बल होगा यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू जीरो है, तो बल लगने वाला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू जीरो बाई एक्स स्क्वायर। और ये क्यू जीरो को हम विस्थापित कर रहे हैं बिंदु बी से बिंदु सी तक, जिसका विस्थापन डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा डी एक्स। और देखिएगा यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 है जो धनात्मक है, ये आवेश Q है जो धनात्मक है, तो ये आवेश Q Q0 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो बल की दिशा एफ ई की दिशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। और डी एक्स हम B से C तक इधर ले आ रहे हैं, तो डी एक्स क्या है, इस दिशा में है, तो डी एक्स इस दिशा में है और एफ ई इस दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, cos 180, और cos 180 का मान -1 होता है, तो ऐसी स्थिति में डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ऑफ साइलेन जीरो क्यू क्यू जीरो बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और cos 180 का मान -1 होता है, तो -1 गुणा कर लिए। अब ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू -1/4 पाई ऑफ साइलेन जीरो क्यू क्यू जीरो बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये छोटे से विस्थापन डी एक्स के लिए किया गया कार्य हो गया, लेकिन हमको कहाँ से कहाँ तक क्यू जीरो को विस्थापित करना है, इनफाइनाइट से लेकर के बिंदु पी तक। तो इस इनफाइनाइट से लेकर के बिंदु पी तक विस्थापन में जो किया गया कार्य हमको निकालना है, उसके लिए हम इस डी डब्ल्यू को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, पहली दूरी इनफाइनाइट होगी और दूसरी दूरी इस बिंदु पी की क्यू से दूरी आर है, तो इनफाइनाइट से लेकर के आर तक हम हमेशा दूरी क्यू से लेंगे, तो पहली दूरी हो जाएगी क्यू से इनफाइनाइट और दूसरी दूरी हो जाएगी क्यू से आर, क्योंकि बिंदु पी की दूरी क्यू से क्या है, आर है। तो हम इनफाइनाइट से आर तक अगर इंटीग्रेट कर दे इसको, समाकलन कर दे इसको, तो हमको इनफाइनाइट से लेकर के बिंदु पी तक किए गए कार्य का मान निकल के आएगा। तो क्या लिखेंगे कि आवेश क्यू जीरो को अनंत से बिंदु पी तक, जिसकी दूरी क्यू से आर है, तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य कैसे निकलेगा, समाकलन करके, किसका, डी डब्ल्यू का, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। पहले ये परीक्षण आवेश इन्फिनिटी पर था, और पी तक लाने पर ये क्यू से कितनी दूरी पर हो गया, आर दूरी पर हो गया, तो इन्फिनिटी से आर तक समाकलन कर दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन इन्फिनिटी टू आर 1/4 पाई ऑफ साइलेन जीरो क्यू क्यू जीरो बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये क्या है, माइनस के साथ, ये माइनस के साथ है। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर क्या बन के आएगा हमारे पास, ये पूरा कार्य आ जाएगा W इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेन जीरो क्यू क्यू जीरो माइनस के साथ बाहर निकलेगा, क्योंकि सब कांस्टेंट है, और ये हो गया इन्फिनिटी टू आर
वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू इजक्वल टू वन अपॉन फोर पाई ऑफ साइलन जीरो क्यू क्यू जीरो माइनस के साथ, और इसका जब समाकलन करेंगे आप तो हो जाएगा वन बाई एक्स और इन्फिनिटी टू आर माइनस के साथ। इसका समाकलन वन बाई एक्स होगा माइनस के साथ और लिमिट हो गया इन्फिनिटी टू आर, और ये माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएगा डब्ल्यू इजक्वल टू वन अपॉन फोर पाई ऑफ साइलेंट जीरो क्यू क्यू जीरो, और वन बाई एक्स को एक बार लिखेंगे वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा यहाँ से डब्ल्यू इजक्वल टू वन अपॉन फोर पाई ऑफ साइलेंट जीरो क्यू क्यू जीरो बाई आर, वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा डब्ल्यू, यानी ये वो कार्य हुआ जो परीक्षण आवेश को इन्फिनिटी से बिंदु पी तक लाने में किया गया है। लेकिन हमको क्या निकालना है, बिंदु पर पी पर विद्युत विभव निकालना है, और विद्युत विभव जो होता है वो एकांक परिमाण के परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य होता है। तो ये पूरा कार्य है, अब एकांक परिमाण के परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य निकालना हो तो वहीं क्या हो जाएगा विद्युत विभव हो जाएगा। क्या लिखेंगे, सिंस विद्युत विभव एकांक परिमाण के परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य होता है, अतः भी इजक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। परीक्षण आवेश का परिमाण क्यू जीरो है, अगर क्यू जीरो से हम भाग देते हैं पूरे कार्य में तो एकांक परिमाण के परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य निकलता है। तो यहाँ से हो जाता है हमारे पास भी इजक्वल टू डब्ल्यू का मान वन अपॉन फोर पाई ऑफ साइलेंट जीरो क्यू क्यू जीरो बाई आर अपान क्या हो जाएगा क्यू जीरो, और ये बन के आएगा हमारे पास भी इजक्वल टू वन अपान फोर पाई ऑफ साइलेंट जीरो क्यू अपान आर। ये फॉर्मूला हो गया हमारा इस बिंदु पी पर विद्युत विभव के लिए। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यदि हम बिंदु P की दूरी R के साथ विद्युत विभव का ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। इधर हम बिंदु आवेश से दूरी R को दिखा रहे हैं और इधर क्या दिखाएंगे, विद्युत विभव V को दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर R इजक्वल टू अगर जीरो करते हैं तो V इजक्वल टू इन्फाइनेट हो जाएगा, और यानी कहीं R इजक्वल टू जीरो पर V इन्फाइनेट होगा और R इजक्वल टू इन्फाइनेट पर V क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इधर R इजक्वल टू इन्फाइनेट यानी इन्फाइनेट पर जाकर के V क्या होगा जीरो होगा। तो ये इस तरह का ग्राफ हमारे पास बन के आएगा, ये V है और ये R है, तो ये भी और आर के बीच ग्राफ है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पी पर विद्युत विभव का जो फार्मूला है वो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर है। इसको हम कैसे निकालें, तो पहले तो हम जानते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को इन्फिनिटी से बिंदु पी तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य विद्युत विभव होता है। तो पहले हम पूरे परीक्षण आवेश पर किए गए कार्य को निकालेंगे बिंदु P तक और उसमें क्या करेंगे परीक्षण आवेश के परिमाण से भाग दे देंगे। तो कार्य निकालने के लिए हम जो फार्मूला जानते हैं W इजक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये तब होता है जब इस F का मान कांस्टेंट होता है। लेकिन इस विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर लगने वाला जो बल है उस बल का मान लगातार परिवर्तनशील है, तो ऐसी स्थिति में छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कार्य निकालेंगे। मान लेते हैं कि इस परीक्षण आवेश को B से C तक लाने में किया गया कार्य dW है,
तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स, और इस बी से सी के बीच में हम फोर्स को जो है वो कांस्टेंट मान करके चलते हैं। तो बी पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स 1/4πε₀ क्यू इंटू क्यू जीरो बाई एक्स स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि बी की क्यू से दूरी क्या है, एक्स है, और यहीं पर क्यू जीरो है। अब ये एफ ई फोर्स हो गया, और इस एफ ई फोर्स का मान बी से सी के बीच में हम कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि डी एक्स अत्यंत छोटा है। तो बी की दूरी भी हम एक्स मान लेते हैं, सी की दूरी भी हम एक्स मान लेते हैं। तो बी से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है, उस डी एक्स से मल्टीप्लाई करके हम छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू निकाल लेते हैं। और चूंकि फोर्स लग रहा है ई डायरेक्शन में और हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ई डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 है, तो cos 180 लिख देते हैं। ये अब ये हमारा cos 180 का मान -1 होता है, तो पूरा फैक्टर माइनस में आ जाता है। अब हमको चूंकि इन्फिनिटी से इस बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, तो हम समाकलन कर देंगे इस डी डब्ल्यू का कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से R तक। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट की दूरी Q से इन्फिनिटी है और P की दूरी Q से R है, तो इन्फिनिटी से R तक इसका समाकलन करेंगे डी डब्ल्यू का, तो हमारे पास पूरा कार्य निकल के आएगा W, पूरा कार्य निकल के आएगा W। और डी डब्ल्यू का मान ये पूरा है, ये समाकलन कर दिए इन्फिनिटी से आर तक 1/4πε₀ क्यू क्यू जीरो बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये चूंकि इसका मान -1 होता है तो माइनस के साथ हो गया। इसका हम इंटीग्रेशन जब यहाँ पर किए तो पूरा W बन के आया इस तरह से। और इस पूरे W में हम परीक्षण आवेश के परिमाण से जब भाग देते हैं, तो एक परीक्षण आवेश के एकांक मान पर किया गया कार्य निकलता है, और वहीं किया गया कार्य क्या होता है, विद्युत विभव होता है। तो इस तरह से हम इस फार्मूले तक पहुँचे। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।